सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 12th का वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वेरिफिकेशन मतलब गाइस रीचेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कल नाइट से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन गाइज आज मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। गाइज देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप या तो अपने स्कूल से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है या फिर कोई साइबर कैफे से, खुद मत अप्लाई करना, क्योंकि गाइज अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और गाइज ये ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन कोई भी मेथड नहीं है। तो गाइज देखो, वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको तीन प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले गाइज आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना पड़ेगा। इसके चार्जेस है गाइज 500 रुपीज पर सब्जेक्ट और गाइज इसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई। 21 जुलाई को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स बंद हो जाएगा। गाइज देखो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो हो जाती है, लेकिन उनकी जो मार्क्स है वो वापस रीचेक होते हैं, कि वापस रीटोटलिंग होती है। एक तरीके से बता दूं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के अंदर रीटोटलिंग होती है और टीचर कुछ भी चेक नहीं करेगा, सिर्फ वो पूरे शीट के अंदर रीटोटलिंग करेगा कि कहीं कोई नंबर रह तो नहीं गए, तो आपकी पूरी शीट को रीटोटल करेगा। आप जैसे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सेकंड कैटेगरी के लिए। मतलब अगर आपको फोटोकॉपी मंगवानी है अपने आंसर बुक की, तो आप फोटोकॉपी सेकंड प्रोसेस से, अगर आपने फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो आप सेकंड प्रोसेस की हेल्प से फोटोकॉपी अपने आंसर शीट की मंगवा सकते हो। गाइज फोटोकॉपी आप स्टार्ट होगी फोटोकॉपी अगर आप फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अप्लाई करते हो, उसके बाद में गाइज आप 1 अगस्त को अप्लाई कर सकते हो ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक। मतलब आप 1 अगस्त को अप्लाई कर देना और लास्ट डेट है इसकी 2 अगस्त। 2 अगस्त से पहले आपको ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी और आंसर बुक की फोटोकॉपी अगर आपको मंगवानी है तो आप 2 अगस्त से पहले अप्लाई कर देना। 1 अगस्त को ये गाइज स्टार्ट होगा और 2 अगस्त को ये इसकी रजिस्ट्रेशन वापस बंद हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए तो आपको 1 अगस्त के दिन अप्लाई करना पड़ेगा। गाइज इसकी चार्जेस है 700 पर आंसर बुक के। अगर आपको अपनी आंसर शीट मंगवानी है तो आपको 700 रुपीज पर आंसर शीट की पे करने पड़ेगी। जैसे गाइज आपकी आंसर शीट आ जाती है आपके पास में, उसके बाद गाइज आप एलिजिबल हो जाओगे थर्ड कैटेगरी के लिए। मतलब अगर अब आपको रिवैल्यूएशन मतलब रीचेकिंग करवानी है आपके किसी क्वेश्चंस की, गाइज सीबीएसई ने जो साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप रीचेकिंग के अंदर रीटोटलिंग के अंदर अगर आपके 1-2 मार्क्स भी कम होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सीबीएसई नहीं लेगी। वैसे गाइज बहुत कम चांस होती है, आज तक वैसे सीबीएसई कभी भी मार्क्स कम नहीं हुए, लेकिन सीबीएसई ने यहाँ पर मेंशन कर रही है बात, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज अब थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में गाइज आप कर सकते हो रीएवेल्युएशन। रीएवेल्युएशन मतलब गाइज आप रीचेकिंग करवा सकते हो अपने क्वेश्चंस की। गाइज इसके अंदर 100 रुपीज पर क्वेश्चन के लगेंगे। जैसे गाइज आपके पास में आ जाएगी फोटोकॉपी, तो आप फोटोकॉपी में चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन के आपको मार्क्स नहीं मिले, उसके अकॉर्डिंग आप 6 अगस्त को अप्लाई कर देना ऑनलाइन। जो भी क्वेश्चन के आपको लगता है कि नंबर बढ़ने चाहिए उस क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर देना ऑनलाइन, 100 रुपीज पर क्वेश्चन के लगेगी। गाइज देखो, सारा कुछ मैंने स्क्रीन पे बता रखा है, कब लास्ट डेट है, कितनी फीस है, सब कुछ गाइज मैंने स्क्रीन पे बता दिया, आप यहाँ से रीड करके अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो गाइज देखो, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर गाइज आप में से अभी भी कोई स्टूडेंट है जिसको कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए, उसमें से कॉल करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और गाइज प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी पता लग सके कि ऑनलाइन अगर उनको वेरिफिकेशन करवाना है तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि गाइज बहुत कम टाइम है। तो जल्दी से आप अपने फ्रेंड से शेयर करो, जिससे वो भी जल्दी से अपनी कॉपी चेकिंग को रीचेक करवा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहो।